हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बीएससी फाइनल ईयर और सेकंड ईयर दोनों का एक टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक कल बीच में रह गया था, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। और वो टॉपिक बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स में आता है और बीएससी सेकंड ईयर में वो टॉपिक स्टार्ट में आएगा, ठीक है। और टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसको हम कल कर चुके हैं, जिसको शॉर्ट में SHO भी बोलते हैं, सरल आवृत्ति दोलित्र। ये एग्जाम में SHO लिख के भी आ सकता है या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सरल आवृत्ति दोलित्र भी आ सकता है, मतलब पूरा नाम भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है, ठीक है। तो कल वाला अगर एक बार छोटा सा रिवीजन, उसका क्विक रिवीजन देखें, तो वो ऐसे था कि ऑसिलेटर क्या होते हैं, ये किसी को अगर कोई पेंडुलम है, इसको इसकी मेन पोजिशन के अलोंग खींचू, कोई फोर्स करूँ लगाऊं तो वो डिस्प्लेस होगा अपनी मेन पोजिशन के अलोंग माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन अलोंग इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति। तो हर बार ये गैप जो ये ट्रेवल कर रहा है, जो डिस्टेंस वो कम होती है, कम होगी, क्योंकि जितनी फोर्स हमने खींचा था, जितनी एनर्जी इसके ऊपर हमने लगाई थी, वो एनर्जी हर बार इसको डिस्प्लेस्ड करने में, गति करने में यूज होती जाएगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सारी की सारी एनर्जी यूज हो जाएगी, ये वापस अपनी इसी माध्य स्थिति में आके रुक जाएगा। ये तो होती है दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन जो क्या है, बैक एंड फोर्थ मोशन टुवर्ड्स इट्स या अलोंग इट्स मेन पोजीशन, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द दोलन, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति, इर्द गिर्द मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो ये तो दोलन गति थी। और उसके बाद मैंने कल आपको, जैसा हम हर टॉपिक में कर रहे हैं, साई और एनर्जी फाइंड आउट करनी है, साई क्यों फाइंड आउट करनी है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बिहेवियर को पढ़ने के लिए हमें साई की जरूरत है। जिस तरीके से मैंने छोटे से एग्जांपल से बताया था कि क्लासिकल मैकेनिकल सिस्टम के अंदर अगर हमें किसी सिस्टम के मास और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, तो हम उसके काफी सारे फ्यूचर इवेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या एक तरीके से उसके फ्यूचर इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ उसका फोर्स इतना होगा, वेलोसिटी इतनी होगी, मोमेंटम इतना होगा, एक्सेलरेशन इतना होगा। उसी तरीके से अगर हमारे पास किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए साई होगा, तो हम उसके फ्यूचर इवेंट्स को बता सकेंगे। और साई की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि डी ब्रोगली ने क्या कहा था, मूविंग पार्टिकल्स एसोसिएटेड एक वेव होगी, और वेव के लिए वेव फंक्शन दैट इज साई, इसलिए हम साई फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, साई और एनर्जी। फिर मैंने आपको श्रोडिंगर इक्वेशन यूज की थी, माइनस एच का स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल्स टू ई साई, जहां ई तो होती है टोटल एनर्जी, वी होती है पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने आपको बताया था जब इस तरीके की मोशन होती है, स्प्रिंग में होती है, रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, उस टाइम हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 kx² के इक्वल आती है। फिर इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया था, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई। फिर मैंने क्या किया था, इस टर्म का इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था कि यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ डेल स्क्वायर वाली फॉर्म मिले। क्यों? क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। और क्यों ये बनानी है, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन हमें आते हैं, इसलिए हमने ऐसा कुछ किया। फिर हमने क्या माना था, एक लैम्डा माना था जिसकी वैल्यू आई थी 2e/h/ω, और एक मैंने अल्फा स्क्वायर माना था जिसकी वैल्यू आई थी m(ω/h)। अल्फा की पावर 4 यहाँ से क्या आना था, m²(ω²)/h²। तो ये चीज मैंने मानी थी, है ना। और देखो ये कैसे आई थी, क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और k की वैल्यू हमें पता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है m², प्रत्यय बल या दांक का मान ये होता है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे रखते रखते हमारे पास एंड में हमने कुछ सोल्व किया था, और सोल्व करने पे हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी फाइनल इक्वेशन वो थी, एक मिनट देखो, यहाँ पे हमने एक और चीज मानी थी, एक हमने वाई माना था जिसकी वैल्यू अल्फा एक्स था। लास्ट लेक्चर में हम कर चुके हैं इन सब चीजों को, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखूंगी यहाँ पे। जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने ये इक्वेशन को, मैंने जो फाइनल इक्वेशन में भी लिखूंगी वो मैंने ड्राइव करवाई थी आपको, तो वो बनी थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में था, प्लस अल्फा स्क्वायर लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू जीरो, जहां से ये अल्फा मैंने कॉमन लिया और उधर जीरो के डिवाइड में चला जाएगा। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये एक इक्वेशन बनी,
और ऐसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन पता है, जब अगर हमारे पास सीधा आती डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, तो इसका तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। जब आगे कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट भी माइनस होते जा रहे हो तो उस केस में हमारे पास बनता है एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। तब हमें क्या चाहिए होते हैं, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस दैट इज अनंत स्पर्शी हल। ये आप कर चुके हो मैथ्स में, आपके पास एक चैप्टर आता था और अगर आपने वहां पे ढंग से किया था तो आप यहाँ पे इक्वेशन को देखते ही समझ सकते हो कि यहाँ पे अनंत स्पर्शी हल लगेंगे, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस लगेंगे। और एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन क्या होते हैं हमें अच्छे से पता है कि जब हम बात किसकी करते हैं, इन्फिनिटी की बात करने लग जाते हैं, है ना, अनंत पे पहुंच जाते हैं। यानी कि जब हमारे पास इन्फिनिटी भी किस पे पहुंचेगी, जब डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी हो जाए, है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी कैसे, उन्होंने ये चीज मानी जब हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अनंत हो जाए, उस केस में क्या होगा, अनंत स्पर्शी का मतलब ये होता है जब हम इन्फिनिटी पे जाते हैं। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन वाला चैप्टर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में किया हुआ है तो आपको इसके सॉल्यूशंस आते हैं। फॉर एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस इन्फिनिटी पर एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब कोई अनंत, अगर डिस्प्लेसमेंट अनंत हो जाए इस ऑसिलेटर का, इतना खींचू कि इसका डिस्प्लेसमेंट इन्फिनिटी पहुंच, जब इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद एक कंडीशन तो ऐसी आएगी जहां पे उसके पास कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, कोई ऊर्जा ना होने के कारण ही रीस्टोरिंग फोर्स उसको वापस दूसरे डायरेक्शन में खींचेगा। तो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन के लिए जब अनंत पे पहुंच जाएंगे तो पार्टिकल की एनर्जी जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो होगी, क्योंकि जितना फोर्स हम अप्लाई कर चुके हैं उतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुके हैं, और रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वो माइनस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। इसीलिए एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन एट इन्फिनिटी पर ऊर्जा जीरो हो जाएगी। जीरो होने का रीजन, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल हो चुकी है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल होने के पास बाद पार्टिकल के पास कोई एनर्जी नहीं है। मैं इसको पार्टिकल बोल रही हूँ, आप सिस्टम बोल सकते हो, पार्टिकल के पास कोई एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी ना होने के कारण इस पेंडुलम पे जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा, इसीलिए बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, है ना। अनंत पर E इज इक्वल्स टू जीरो, अगर E इज इक्वल्स टू जीरो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिफाइन लैम्डा माना था कुछ, इसकी वैल्यू है 2E अपॉन h कट ओमेगा। अगर लैम्डा की वैल्यू 2E अपॉन h कट ओमेगा है और E जीरो हो रही है तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2E अपॉन h कट ओमेगा दैट इज जीरो। अब लैम्डा जीरो, तो इस इक्वेशन को अगर हमने लास्ट लेक्चर में हम इक्वेशंस को नंबर देते जा रहे थे तो आप उस सीक्वेंस से चलिए, मुझे अब ध्यान नहीं कि मैंने क्या नंबर दिए थे इसीलिए मैं उसको डायरेक्टली अब नंबर दे रही हूँ, इसको मैं नंबर वन दे रही हूँ, ठीक है। अगर लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशंस को नंबर या उसको डिनोशन दिया है तो आप उसको ही आगे कंटिन्यू करना, जितनी नंबर इक्वेशन बने, मुझे नहीं ध्यान इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर वन दे दिया, ठीक है। अगर ये लैम्डा एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशंस क्यों है आपको पता चला, तो क्योंकि यहाँ पे लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर, कोई कांस्टेंट माइनस वाई स्क्वायर साई, मतलब कांस्टेंट के साथ वो फंक्शन आ रहा है, इसीलिए एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन बनेगी। और एसिम्प्टोटिक अनंत स्पर्शी का मतलब ये ही होता है कि हम इन्फिनिटी की बात करते हैं और जब अनंत पे पहुंचे तो ऊर्जा जीरो, ऊर्जा जीरो तो कोई लैम्डा भी जीरो हो जाएगा, लैम्डा जीरो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। तो समीकरण बनी ये, पिछले लेक्चर्स में हम जहाँ पे इक्वेशन बना रहे थे वहां पे हमारे पास डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई की फॉर्म में बना रहे थे और यहाँ पे ये जो के होता है वो कांस्टेंट होता था, इसीलिए इसका मैंने सॉल्यूशन क्या लिखा, सी वन साइन के एक्स प्लस सी टू कॉस के एक्स लिखते थे। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी आती है, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में पूरे ऑलमोस्ट चैप्टर ही लगते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, तो आपको अगर आपने सेकेंड ईयर में ये चैप्टर नहीं किया तो आप वहां पे करोगे, आपको इनके सॉल्यूशन समझ आएंगे कि ऐसा ही क्यों होता है। अभी के लिए आप याद रख लो और बाकी आप जब मैथ्स में करोगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा, और मेरे हिसाब से शायद आपने कर लिया होगा, नहीं तो फर्स्ट ईयर में भी आ सकते हैं चैप्टर, सेकेंड ईयर में भी आ सकते हैं, कन्फर्म ही है। देखो वहां पे के स्क्वायर था, कोई कॉन्स्टेंट था इसलिए उसके सॉल्यूशन है ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या एक वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर होने के कारण इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, हर्माइट पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएंगे, और ये हर्माइट पॉलिनोमियल आप एमएससी में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे ना, आप बीएससी में पढ़ रहे हो फाइनल ईयर सेकंड ईयर, मैथ्स में भी नहीं पढ़ोगे, तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा,
हर्माइट पॉलिनोमियल की फॉर्म है, यानी साई के जो हल होंगे, आप यहाँ पे अगर एक लाइन लिखो तो लाइन ये लिखोगे कि जो ऊपर वाली समीकरण है वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं डिफरेंशियल को डिफ लिख रही हूं, सो इट्स सॉल्यूशन विल बी, जब कोई इक्वेशन, देखो अब आप एक चीज के लिए कंफ्यूज हो सकते थे कि मैंने साइन और कॉस की फॉर्म में क्यों नहीं लिए, उसका रीजन ये था कि वहां पे के स्क्वायर प्लस साई होना था, चाहे आपने वन डी बॉक्स किया चाहे आपने थ्री डायमेंशनल बॉक्स किया, सब में मैंने कॉन्स्टेंट प्लस साई का, कहीं पे भी वो वेरिएबल जिसकी रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है वो नहीं आ रहा था। जब ऐसी इक्वेशन बनती है जहां पे वही वेरिएबल आगे आता है तो उसका सॉल्यूशन हर्माइट पॉलिनोमियल की फॉर्म में आता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपके बीएससी में ये टॉपिक नहीं लगेगा, ये टॉपिक आपके एमएससी में लगेगा अगर आप फिजिक्स में करते हो तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, साई विल बी समथिंग इन द सेंस कि कुछ ना कुछ, या मैं आपको हर्माइट पॉलिनोमियल लिखती हूं, मैं आपको बताती हूं साई के सॉल्यूशन क्या बनेंगे, कोई कांस्टेंट, ठीक है, मैंने मान लिया कोई कांस्टेंट ए और दूसरा हर्माइट पॉलिनोमियल और ई की पावर फॉर्म में बनेगा, ई की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय टू बनेगा क्योंकि ये वाई स्क्वायर की फॉर्म में, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज CTM यानी कमिट टू मेमोरी, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा ये चीज कि इक्वेशन बनी ये और उसका रिजल्ट कैसे आएगा, हर्माइट पॉलिनोमियल HY यहाँ पे होता है हर्माइट बहुपद, हर्मिटिक बहुपद बोलते हैं इसको हिंदी में, जहाँ पे A कोई कांस्टेंट आता है, HY वो हर्मिटिक बहुपद आता है और E की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय टू की फॉर्म में आता है, ये सेकंड ऑर्डर है, डबल डेरिवेटिव चल रहा है इसलिए प्लस माइनस टू में आया है। देखो अब इसके सॉल्यूशन में आपको बताती हूँ, यानी कि एक बार इसमें ये चीज देखते हैं E की पावर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाय टू में से कौन सी चीज चलेगी, देखो इसको आप दे लेना इक्वेशन नंबर टू, इसको दे लो इक्वेशन नंबर, ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में भी लिख लेना कि ये जो एच वाई है हर्मिटिक बहुपद, हर्मिटिक संकारक पड़े थे वो अलग है, हर्माइट ऑपरेटर हर्माइट पॉलिनोमियल अलग है, ऑपरेटर और इस पॉलिनोमियल में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, इक्वेशन ऐसी थी इसीलिए इसका सॉल्यूशन ये बना, आप डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, और कई बार मैं इक्वेशन का सॉल्यूशन ई की पावर फॉर्म में भी लेके चलूंगी, और जब वहां पे लूंगी मैं आपको वहां पे भी एक तरीके से डिफरेंस बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने ऐसा सॉल्यूशन क्यों लिया और यहाँ पे मैंने ऐसा लिया, तो मैंने आपको बताया वहां पे तो कोई के स्क्वायर प्लस साई स्क्वायर साई बनता है, के वहां पे कांस्टेंट होता है लेकिन यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन चल रहा है या जो वेरिएबल क्वांटिटी है वही यहाँ पे मल्टीपल में है, इसीलिए इसका हर्माइट पॉलिनोमियल सॉल्यूशन बनेगा, इक्वेशंस के सॉल्यूशन फिक्स होते हैं, ठीक है, और आपको सॉल्व करने ये मैथ्स में आएंगे। अब देखो मैं आपको इस चीज में बता रही हूँ कि अब यहाँ पे दो तरीके से ये वेव फंक्शन बन सकता है, एक तो ए एच वाई, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है, साई का ए एच वाई e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू, मैंने यहाँ पे प्लस वाई प्लस माइनस लिखा है ना, ए एच वाई e की पावर प्लस वाई स्क्वायर बाय टू, ये दो सॉल्यूशन बनेंगे, लेकिन हमारे पास इक्वेशन एक थी तो एक ही आंसर आना चाहिए, अब एक आंसर आना चाहिए मतलब कंफ्यूजन तो ये स्टेप क्रिएट कर रहा है, एक e की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय टू के कारण, तो देखो इसको सॉल्व क्या करेंगे या कौन सा हमारे लिए पॉसिबल रिजल्ट होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ कौन सा पॉसिबल होगा। देखो हमने इसको किस तरीके से निकाला था, एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन से निकाला था, यानी हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे जब वाई इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाए तो उस केस में हमारे पास साई को इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जब साई इज इक्वल्स टू ए एच वाई, यहाँ पे एच वाई क्या है हर्माइट पॉलिनोमियल और ए क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप कुछ भी मान सकते हो, सी मानो ए मानो बी मानो जो भी आपका मन करे, ई की पावर वाई स्क्वायर बाय टू दैट इज माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर बाय टू दैट इज ऑलवेज इन्फिनिटी, तो मैं माइनस इन्फिनिटी लिख देती हूँ, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर बाय टू, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी जितना इन्फिनिटी हमें पता इतना बड़ा, तो हमने ऐसा ही सीधा लिख दिया, ठीक है, ए एच वाई, आप यहाँ पे अल्फा इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा एक जगह पे, और हमें पता है जहाँ पे e की पावर अनंत होती है उसकी वैल्यू क्या होती है अनंत, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन e की पावर इन्फिनिटी,
यानी वन अपॉन इन्फिनिटी जो जीरो होती है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हुई जीरो और ई की पावर इन्फिनिटी हुई जीरो। तो जब हम इन्फिनिटी की बात कर, सॉरी ये इन्फिनिटी आएगा ना, तो अनंत तो हमें पॉसिबल ही नहीं, हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। जब हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते तो वो वेव फंक्शन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मतलब e की पावर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू वाली जो वेव फंक्शन है वो इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि हम अनंत को फाइंड आउट नहीं कर सकते। और ये क्या है, पॉसिबल रिजल्ट है। तो जो इक्वेशन मैंने बनाई, तो एक तरीके से आपको समझ आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या क्रिएट करा था, e की पावर प्लस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू। जब हम अनंत पे पहुंचे तो e की पावर माइनस अनंत बना यहाँ पे और e की पावर प्लस अनंत बना, इसकी वैल्यू तो आई प्लस में इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आई जीरो। जीरो को फाइंड आउट करना इजी है, इन्फिनिटी को फाइंड आउट करना टफ है। इसीलिए मैंने इस रिजल्ट को लिखा इम्पॉसिबल रिजल्ट और इसको मैंने लिखा पॉसिबल रिजल्ट। तो जो पॉसिबल रिजल्ट है उसी को मैं लेके चलूंगी आपको। इतनी बड़ी जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, ये इतना खास आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख देना फॉर y is equals to infinity या फॉर asymptotic solutions, जब हम infinity की बात करें, e की power infinity is zero, sorry minus infinity is zero, e की power plus infinity is infinity, और अगर ऐसा है तो e की power plus y square by 2 वाला solution impossible है। अगर वो solution impossible है तो ये जो है ये possible result बनेगा। तो यहाँ से हमारा एक काम हुआ, साई की हमारे पास value आई, so solution of equation number 2 will be क्या बनेगा, साई इज इक्वल्स टू ए एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर वाई। ये एक रिलायबल रिजल्ट होगा जो हमें चाहिए था। अब हमारे पास एक रिलायबल रिजल्ट आया, हम वेव फंक्शन साई को सिंपल फॉर्म कर रहे थे, वहां पे भी हम कॉन्स्टेंट्स हटा रहे थे। मैंने क्या माना था, एक 1D बॉक्स और 3D बॉक्स में किया था, जहां पे C1 साइन के एक्स मैंने वहां पे A भी माना था। आप यहां पे कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं यहां पे भी A ले रही हूं, और वहां पे माना था B cos kx। और फिर मैंने क्या किया था, बाउंड्री कंडीशन लगा के इस A और B की वैल्यूज फाइंड आउट की थी, और मैंने इस K की भी फाइंड आउट की थी, मुझे इसकी भी नहीं पता। तो सेम कंडीशन यहाँ पे, हमें यहाँ पे भी क्या करना है, इन कॉन्स्टेंट्स को हटाना है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो मुझे साई मिला ये है, और ठीक है, और हमारे पास ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 है। देखो किसी चीज का हम सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो हम सॉल्यूशन तभी लिखते हैं जब वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर सेटिस्फाई करता है तो सॉल्यूशन रिलायबल होते हैं, नहीं तो नहीं होते। तो ये सब चीजें आपने मैथ्स में की होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से इतना टेंशन वाली बात नहीं, आपको आता होगा ये चीजें। तो देखो अगर मैंने समीकरण जो एक है, मैंने उसका एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन लगा के मैंने उसको सॉल्व किया, फाइनल इक्वेशन तो ये थी ना, मुझे इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन एट द एंड, मेरे सारे फॉर्मूलेज लगा के, मतलब सारे कॉन्सेप्ट यूज करके जो फाइनल रिजल्ट आया माइनस वाई स्क्वायर बाय टू वाला आया, अगर ये रिजल्ट एक एक्यूरेट रिजल्ट है तो उस इक्वेशन को भी फॉलो करेगा। फॉलो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, उस साई का मैं डबल डेरिवेटिव करूंगी, उसके अंदर रखूंगी इस इक्वेशन के अंदर। अगर सॉल्यूशन आया तो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और सेटिस्फाई करने के लिए मैं क्या करूंगी, उसी साई का डबल डेरिवेटिव करके इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चाहिए जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बनी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा वाई मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ए कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एच वाई का क्या होगा, डेल एच अपॉन डेल वाई यही बनेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं डेल एच अपॉन डेल वाई लिखने की बजाय मैं एच डैश लिख रही हूँ। हमें पता है हम एच डैश से भी शो कर सकते हैं, एच डैश मतलब एक बार डेरिवेशन डिफरेंशिएशन, डबल डैश मतलब दो बार डिफरेंशिएशन। ये आपको पता होगी, ये नॉर्मल सी चीज है, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू ये चीज बनी। प्लस अब इसका करूंगी, a कांस्टेंट है और इस टाइम क्या होगा, एच वाई भी कांस्टेंट रहेगा, है ना। और e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू का क्या बनेगा, माइनस टू वाई अपॉन वाई e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू एज इट इज, अपॉन टू आएगा ना, ये अपॉन वाला टू, ये दो से दो कैंसिल। तो इसका रिजल्ट क्या आया, ए एच डैश वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस ए एच
सॉरी डबल डैश यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव कर रहे हैं। एच वाई मैं यहाँ पे क्या करूंगी, साइन भी माइनस वाई है जो बन रहा था ये मैं आगे लिख दिया, e की पावर माइनस वाई स्क्वायर। जब इसको डिफरेंशिएशन करोगे बड़े ध्यान से डिफरेंशिएशन करना, ऐसा ना हो जहाँ पे एच डैश ना हो वहाँ पे लगा दो, फिर एंड में वो कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा और आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी। ये होगा डेल साई बाय डेल वाई, नाउ डिफरेंशिएटिंग, नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग, पुनः अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, पुनः वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, वाई के सापेक्ष मैंने दो बार अवकलन किया, उसका रीजन ये इक्वेशन आपको बता रही है कि यहाँ पे मेरे पास क्या चीज है, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल वाई स्क्वायर, स्क्वायर इज शोइंग टू टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो टू टाइम्स मैं कर रही हूँ, ठीक है। और इसका आप करो, मैं इसका आपको सीधा रिजल्ट लिखवा बता रही हूँ, आप करके देखना, यही आएगा। तो इसका मैं आपको सीधा रिजल्ट बता रही हूँ, आप करके देखो, तो वो भी आप लिख, तो देखो जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसका एक बार से और डिफरेंशिएशन करना था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशियल लिख दिया, अवकलन लिख दिया, आपको अवकलन करने आते हैं और अगर आप करोगे तो आपको यही लाइन मिलेगी, एच डैश का एक बार करोगे तो डबल डेरिवेटिव या एज अ कॉन्स्टेंट चलता रहेगा, फिर इसका करोगे तो ये टर्म आ जाएगी, है ना, क्योंकि एच डैश यहाँ पे पड़ा था, एक बार एच डैश का किया था, एच डैश का फिर से करोगे तो डबल डेरिवेटिव बनेगा, और फिर इस टर्म का करूंगी, फिर मैंने इसको उठाया और इसके दोनों जो सोल्यूशन आए थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सोल्यूशन आए। अवकलन में मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती होगी डिफरेंशिएशन करने में, और अगर आप करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और मैंने ये किस इक्वेशन में डालना था, इस इन दोनों वैल्यूज को इसमें, क्यों, क्योंकि अगर साई का ये सॉल्यूशन आता है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। अब ऐसा क्यों किया आपको पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो ये इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट करूंगी, कौन सी समीकरण एक के अंदर, ध्यान रखना कभी भी समीकरण दो में नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि फाइनल इक्वेशन ये बनी थी तो इसी के अंदर वैल्यू पुट होगी, वहां पे भी जो इक्वेशन बनती थी उसी को सॉल्व करते थे, तो यहाँ पे भी जो इक्वेशन बनी थी उसी को यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर टू को यूज नहीं करोगे। तो समीकरण दो के अंदर मैं इस वैल्यू को रखूंगी डेल स्क्वायर वाई वाली, तो मेरे को जब मैं इस वैल्यू को रखूंगी तो मुझे पता है, तो डेल स्क्वायर वाई साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो, मुझे ये वैल्यू रखनी है। तो मुझे अगर ये वैल्यू रखनी है तो देखो मैं ये वाली पीछे वाली वैल्यू एक बार नोट डाउन करती हूँ, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ और आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। तो देखो ये वैल्यू जो हमने लास्ट में मैंने डेल स्क्वायर साई और डेल वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है इतनी लंबी, ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखनी है, ए एच डबल डैश वाई e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू माइनस आगे क्या ये इक्वेशन के अंदर ए वाई e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू एच डैश वाई प्लस टू ए एच डैश माइनस है यहाँ पे माइनस है माइनस टू ए एच डैश y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू, ये कैसे आई थी ये सॉल्यूशन आपको पता चलेगा, यहाँ पे एक y भी आ रहा था, तो एक बार पहले मैंने सिर्फ y का किया तो वन आया, फिर h का करूंगी फिर h डैश आएगा, तो ऐसे करके आएगा ये इक्वेशन, ठीक है। प्लस y स्क्वायर a h डैश y प्लस लैम्डा, यहाँ पे देखना एच डैश आएगा या एच आएगा, एच आएगा यहाँ पे, एच आएगा ये सॉल्यूशन। आप मैंने देखो मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बुक से रिजल्ट लिखे हैं, आप सॉल्व करोगे तो आपकी ये इक्वेशन आएगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साई की वैल्यू क्या है, ए एच वाई e की पावर माइनस
वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू जीरो। देखो ये जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर ये वाई स्क्वायर वाली टर्म इधर वाली वाई स्क्वायर वाली के साथ कैंसल आउट हो जाएगी और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो जैसे भी इनको आप सॉल्व करोगे तो ये सारी की सारी इक्वेशन सॉल्व होगी और सॉल्व होने के बाद ये रिजल्ट बनेगा। और मुझे पता है सारी इक्वेशन में ए की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू कॉमन आ रहा है तो वो मैं इसको जीरो के डिवाइड में भेज दूंगी। तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा ए एच डबल डैश माइनस ए और ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू पूरी इक्वेशन में कॉमन था इसलिए मैंने हटा दिया एच डैश वाई प्लस ए एच वाई ए भी नहीं आएगा ना इधर प्लस ये माइनस में आएगी लैम्डा एच वाई इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से लैम्डा और एच वाई कॉमन आएगा तो एच डबल डैश वाई माइनस टू वाई एच डैश वाई माइनस माइनस नहीं प्लस ही लिख लेते हैं लैम्डा माइनस वन लिख देती हूँ एच वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो काफी बुक में तो आपको दिखेगा कि ये सोल्यूशन करवाया नहीं होगा डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखा होगा कि उस समीकरण को सॉल्व करने पर और इतनी टफ नहीं है मैंने डायरेक्ट लिखा था कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक है आप अगर लिखोगे और सॉल्व करोगे सिर्फ प्लस माइनस किया हुआ आपका एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा और बुक में आपका सीधा रिजल्ट लिखे हो आप इसको याद भी कर सकते हो। कई जगह पे तो हमें डायरेक्ट ये इक्वेशन याद ही करवाई जाती है। मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया कि ये वाली वैल्यू मैंने इसका डबल डेरिवेटिव करके उस इक्वेशन के अंदर पुट किया आप सिंपल जब पुट करोगे तो आपके पास इसके सॉल्यूशन आएंगे। तो ये जो एंड रिजल्ट है इसको मैं थोड़ा सिंपल लिख के करके लिख रही हूँ डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस या प्लस जो भी है देखते हैं टू वाई एच डैश वाई टू वाई डेल एच अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा माइनस वन डेल एच सॉरी डेल नहीं आएगा सीधा एच वाई है एच वाई इज इक्वल टू जीरो। देखो यही इक्वेशन बनी है। मैंने आपको क्या बताया था हम इनको सॉल्व क्यों करते हैं क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू चाहिए कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमने ऐसा किया। क्या करना था हमारे पास आई तो आ गया ए एच वाई ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय टू। देखो जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं वो साई की इतनी वैल्यू याद रखोगे जो फाइनल ईयर वाले हैं उनको मैं ए की वैल्यू पे ड्राइव करवाऊंगी। फाइनल ईयर वालों के लिए ये आता है ए की वैल्यू सेकेंड ईयर में सीधा साई आता है सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर दोनों ही करेंगे तो ये आपकी मर्जी होगी सेकेंड ईयर वालों के लिए कि वो ये इतना ही याद रखना चाहते हैं या आगे भी करना चाहते हैं। आगे करना तो एक सिंपल छोटा सा इंटीग्रेशन है जो आपको कल करवाऊंगी तो आज के लिए आप इतना ही देखना। साई की तो वैल्यू आ गई हमारे पास हमें किसकी वैल्यू चाहिए हमें चाहिए एनर्जी की इसीलिए मैंने इसको ऐसा सॉल्व करना सिखाया आपको। इसको हम एक बार फिर से क्विकली भी करेंगे एंड में तो तब आपको और समझ आएगा। तो ये जो इक्वेशन है इसको दे रहा समीकरण नंबर चार ये जीरो है तो समीकरण नंबर चार का जो हल आएगा वो आपको सीधा याद रखना पड़ेगा इस प्रकार होगा। क्या होगा समीकरण चार का हल लैम्डा इज इक्वल्स टू टू एन प्लस वन। देखो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 और मुझे पता है कि अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू पता जैसे मैंने वहां पे क्या किया था a के kx बना तो मैंने एट x इज इक्वल्स टू a किया था वन डायमेंशनल बॉक्स में तो वहां पे मेरे पास k की वैल्यू आई थी। सिमिलरली मुझे यहाँ पे k की वैल्यू जो आई थी उससे मैंने क्या किया था जो 2m e अपॉन h का स्क्वायर मैंने माना था उसके इक्वल वो किया था एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रखा था। तो मतलब यहाँ पे भी मुझे k की वैल्यू चाहिए थी सेम यहाँ पे मुझे इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू चाहिए क्योंकि लैम्डा मैंने इस बार 2e अपॉन h का 2m का माना है तो समीकरण नंबर 4 बनी। सो एज वी नो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2e अपॉन h का 2m भी है इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लिख सकते हो 2n प्लस 1 के इक्वल भी है तो यहां से मुझे एनर्जी की वैल्यू निकलेगी। एनर्जी क्या मिलेगी 2n प्लस 1 अपॉन टू इंटू एच का टू मेगा यानी कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी एन प्लस वन बाई टू इंटू एच का टू मेगा। तो ये इसकी वैल्यू बनी एनर्जी की और वेव फंक्शन साई मैं निकाल चुकी हूँ जो दो काम हम तीन टॉपिक से पिछले टॉपिक में करते आ रहे हैं तो वो काम हमने कर लिया है। तो देखो अब आगे देखो हमें एनर्जी की वैल्यू निकली और अब हम क्या करते होते थे उसके अंदर हम एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते थे यहाँ पे आप लिखोगे वेयर एन
जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन। जब एन जीरो है तो एनर्जी कितनी आएगी मुझे पता है, मैं एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखूंगी तो ऊर्जा कितनी आएगी, एच का टू ओमेगा अपॉन टू, एन जीरो दैट इज वन बाई टू एच का टू ओमेगा, और जब एन इज इक्वल टू वन होगा तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, थ्री बाई टू एच का टू ओमेगा। जब इसको आप ई जीरो लिख लो इसको ई वन लिख लो, जब एन इज इक्वल टू टू होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ई टू की, फाइव बाई टू एच का टू ओमेगा, है ना। अब मैं अगर एनर्जी वाला वो ग्राफ प्लॉट करूँ, मुझे पता है एट एन इज इक्वल टू जीरो पे एनर्जी कितनी है एच कट ओमेगा बाय टू, है ना, और देखो एन इज इक्वल टू वन पे एनर्जी कितनी आई, थ्री बाय टू एच कट ओमेगा। जब मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये गैप कितना आया, एच कट ओमेगा। अगली बार देखो जब ई टू और ई वन के बीच का मुझे गैप बनाना है तो वो क्या अलग आएगा क्या, वो भी एच कट ओमेगा ही आएगा। तो मतलब इसमें एक चीज और हमारे पास अलग आई, 5/2 एच का टू ओमेगा, ठीक है। एक चीज और अलग आई कि वहां पे जब हम कर रहे थे एनर्जी के बैंड्स निकाले थे तो हर बार एनर्जी की वैल्यू चेंज आ रही थी और ये जो गैप था वो हर बार बढ़ता जा रहा था क्योंकि वहां पे एन स्क्वायर बन रहा था। अगर आपने थ्री डायमेंशनल बॉक्स ढंग से किया हुआ और यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, हर बार एनर्जी का जो गैप आ रहा है वो सिर्फ एच का टू ओमेगा ही आएगा। चाहे यहाँ पे आप फोर भी रखोगे ना तब भी थ्री और टू के बीच, थ्री और फोर के बीच का गैप एच का टू ओमेगा आएगा। और ये एन इज इक्वल टू जीरो पे जो ऑसिलेटर की एनर्जी होती है ना वो वन बाय टू एच का टू ओमेगा होती है, इसको बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर। तो ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सरल आवृत्ति दोलित्र के लिए मूल ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है, एच का टू ओमेगा बाय टू, प्रूफ करो। तो ये आपके पास आ सकता है। एक बार वापस से हम छोटा सा देख लेते हैं इसको जल्दी से। देखो फाइनल इक्वेशन हम ये लास्ट लेक्चर में बना चुके हैं और ये एक एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन बनती है, इसलिए मैंने इसका हल देखा अनंत पे। जब इसका हल देखा तो एनर्जी जीरो तो ई भी जीरो, ई जीरो यानी लैम्डा जीरो तो ये इक्वेशन बनी और यहाँ पे वाई स्क्वायर बना, इसलिए हर्माइट पॉलीनोमियल की फॉर्म में इसका इक्वेशन बनेगा, ई की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर बाय टू होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि माइनस वाई स्क्वायर बाय टू पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल रिजल्ट है क्योंकि हमने अनंत लिखा, अनंत पे इसकी वैल्यू कैसे आती है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो और इन्फिनिटी को फाइंड आउट करना मुश्किल है, जीरो को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए इसको मैंने सोल्यूशन माना। और ये अगर सोल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने के लिए मैंने डेल स्क्वायर किया क्योंकि मुझे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। वेव फंक्शन साई तो आ गया हमारे पास लेकिन हमें ऊर्जा चाहिए थी, ऊर्जा को निकालने के लिए हमने डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर किया, जिसको सॉल्व किया तो मैंने ये वैल्यूज रखी। अगर आप इसके सॉल्यूशन वाले स्टेप्स को पेपर में नहीं बढ़ाना चाहते तो ठीक है, आप सीधा ये इक्वेशन भी याद रख सकते हो, ये इक्वेशन लिखोगे जब तो इसका जो आप सीधा सॉल्यूशन आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू 2n प्लस 1 आती है, फिर ये वैल्यू रखी है एनर्जी है और एट n इज इक्वल टू 0 e इज इक्वल टू 0 इसको बोलते हैं मूल ऊर्जा स्तर या मूल ऊर्जा। तो सरल आवर्ती दोलित्र के लिए मूल ऊर्जा की वैल्यू h बाय 2 ओमेगा होती है, ये प्रूफ करो, ये आपके एग्जाम में आता है और ये बाकी सारा डायग्राम और ये आपको करना है। तो टॉपिक हुआ यहाँ पे कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।